हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज एक नॉर्मल वीडियो है जो कि पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैं फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करती हूँ। हेयर फॉल अगर होता है, बहुत हेयर फॉल होता है, तो फ्लैक्स सीड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज मेरा हेयर बहुत ही कुछ बोल रहा था मुझसे कि बहुत ड्राई हो गया है, मुझे फ्लैक्स सीड्स चाहिए। तो आज मैं इसको फ्लैक्स सीड्स देने वाली हूँ। तो मैं सोची कि आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं जब लगा ही रही हूँ तो आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। तो इसका प्रोसेस मैं आपको दिखा देती हूँ, तो चलिए वीडियो को देख लीजिए पहले, फिर मैं उसके बाद बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं मीडियम ग्लास में वाटर ले लूँगी, ये फिल्टर वाटर है। उसके बाद एक बाउल में डाल के इसको गर्म करना है। गर्म करने के बाद आप इसमें 4 टीस्पून आपको डालना है ये फ्लैक्स सीड्स का। मेरे पास पिसा हुआ है कि मैं इसको कंज्यूम करती हूँ, तो इसीलिए मेरे पास पिसा हुआ है, तो मैं वही डालूँगी। और नेक्स्ट बनने के बाद आपको देखिएगा इसमें स्टिकनेस नज़र आएगा। जब ये आ जाए तो फ्लेम बंद कर दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं जल्दी से ठंडा करने के लिए मैं इसमें पानी ले ली हूँ और उसमें ये रख दी हूँ। उसके बाद ये जल्दी से ठंडा भी हो जाएगा। तो ये देखिए स्टिकनेस कैसा हो गया है। अब इसको अच्छे से छान लेना है। छानने के बाद हमारा ये फ्लैक्स सीड जेल रेडी हो गया। इसमें मैं ऐड करूँगी ओनली वन ड्रॉप, ओके, ओनली वन ड्रॉप ऑफ रोज मेरी एसेंशियल ऑयल, ठीक है। तो इसमें मैंने 1 ड्रॉप दे दिया एसेंशियल ऑयल। अगर आप चाहें तो विटामिन ई की कैप्सूल भी ऐड कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल ऐसे भी बहुत अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी अगर मिनिमम अमाउंट में आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक होता है स्मूथ भी करता है आपके हेयर को, और मेरा हेयर आज बहुत रफ हो गया। इसलिए वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक रेमेडी ट्राई किया था इन माई हेयर, उसकी वजह से मेरा हेयर बहुत ही रफ फील कर रहा था। इसलिए मैं फ्लैक्स सीड्स को यूज़ करती हूँ थोड़ा स्मूथ करने के लिए अपने हेयर को। सो इसको मैं आज लगाऊंगी। अच्छे से बालों को डिटैंगल कर ले पहले, और हमेशा अपने बालों को पकड़ के ही ऑन करके दे, ऐसे आपके बाल नहीं टूटेंगे, ठीक है, आपके बाल नहीं टूटेंगे। तो मैंने अच्छे से कॉम कर लिया है। अब मैं पार्टीशन कर लूँगी, पार्टीशन करके फिर लगाऊंगी। मैं हमेशा पार्टीशन करके लगाती हूँ, क्योंकि मुझे वही बेटर लगता है। चलिए, चाहे मैं मास्क लगाऊँ चाहे कुछ भी लगाऊँ, मैं पार्टीशन करके लगाती हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होता है, मतलब मुझे यही तरीका एक्चुअली पसंद आता है, ठीक है। पार्टीशन करके लगाने से अच्छे से आपके हेयर में लगेगा, और आपका हेयर ग्रोथ में, आपके स्कैल्प में अच्छे से लगेगा, आपका हेयर ग्रोथ अच्छा होगा। सो हमेशा पार्टीशन करके लगाएं, ऐसे फायदा नहीं होगा। सो सबसे पहले मैं नीचे लगा लूँगी। आप पतला है, मैं अपने हाथों से लगाऊंगी ऐसे करके, करना आपको कुछ नहीं करना। और ये पूरा ठंडा हो चुका है। और नेक्स्ट डे आपको बस इसको वॉश कर लेना, नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना। मैं इसे बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, आप ट्राई जरूर कीजिएगा इसको। मैं नॉर्मली ज़्यादा हेयर मास्क तो यूज़ नहीं करती, बट मैं चाहती हूँ मेरा हेयर ऐसे स्ट्रेट हो जाए कुछ करके, या फिर बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको हेवी एकदम फील नहीं होगा, एकदम पानी जैसा है ये। और आपको नेक्स्ट मॉर्निंग जस्ट नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, कुछ नहीं। अगर आप नहीं भी वॉश करना चाहते तो मैंने तो ऐसे ही छोड़ दिया था, एक दिन क्या हुआ था, मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता एक्चुअली में। बट बस उसका जो, अगर आप नहीं छानेंगे तो उसका रेसा रेसा यहाँ पर जम जाता था। तो गाइस, ये था आज का वीडियो, नॉर्मल सा। बस आपको सुबह उठ के इसको नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेना है, कुछ आपको माइल्ड शैम्पू वो शैम्पू हलाना देखा दिनकाना कुछ यूज़ नहीं करना है, आपको नॉर्मल वाटर से बस वॉश कर लेना, बस गुड टू गो। एनीवेयर आपका हेयर बहुत स्मूथ हो जाएगा। सो ट्राई करके जरूर देखिएगा। और आपका हेयर फॉल का प्रॉब्लम है तो सेम अप्लाई, इसी तरह आप अप्लाई कीजिए, आपका हेयर फॉल भी रिड्यूस हो जाएगा। वन यूज़ में आपका हेयर फॉल रिड्यूस होगा। बस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक इट। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।